हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नए ब्लॉग में। मैं आपका होस्ट, मैं आपका दोस्त अभिषेक स्वागत करता हूं जर्नी ऑफ मिस्टर कोल के इस नए सफर में। तो चलिए चलते हैं और ले चलते हैं आपको सोनभद्र की हसी वादियों में। और आगे हमारा सफर यूं ही बना रहेगा। फिलहाल हम लोग शक्तिनगर एनटीपीसी और बस स्टैंड को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे बीच रास्ते में हम लोग बात करते जाएंगे और आपको ये सुहाना सा सफर इस पूरे वीडियो में आपको दिखाई देगा। तो फिलहाल आप ये देख पा रहे हैं, ये हम लोग खड़िया बाजार को पार करने के बाद ये सामने आप कैंप का व्यू देख पा रहे थे। आपने शुरू में जो है इंट्रोडक्शन देख ही लिया और फिलहाल आज आपसे बात करते हुए हम लोग सोनभद्र के वादियों की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसा है अपना सोनभद्र, जिसे कि मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ उत्तर प्रदेश भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं और बीच बीच में खूबसूरत से नज़ारे आपको दिखाएंगे। और ये देख पा रहे हैं जो हमारी ड्राइव होने वाली है, लगभग 150 किलोमीटर की ड्राइव होने वाली है और इन बिटवीन जो है आपको बहुत सारी चीज़ों को मैं दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं। ये सामने आप कोहरोल का यह मंदिर, शिव मंदिर देख पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और इसी तरह आगे बढ़ते हुए खूबसूरत मौसम का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको। फिलहाल हम लोग पहुंच रहे हैं डाला मंदिर और ये आपको सामने दिखाते हैं डाला मंदिर का भव्य दृश्य। ये डाला मंदिर आप देख पा रहे हो, माँ वैष्णो देवी शक्तिपीठ के नाम से जो है यहाँ विराजमान है और सारी कहानियां हैं, इनकी मान्यताएं हैं, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। सामने एक मनमोहक सा नजारा आपको दिखाता हूं मैं। देखिए रोड का काम बहुत तेजी से चल रहा है तो थोड़ा आराम से आए और जाएं। और ये सामने आप मुक्तेश्वर महादेव जो कि सोनभद्र की सबसे ऊंची चोटी है, उसका आपको ये दृश्य दिखा। परमेश्वर महादेव, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी सोनभद्र की, उसमें से ये एक सबसे ऊंची चोटी है पूरे सोनभद्र की। और वहां से जो नजारे हैं उसका मैं आपको बता नहीं सकता, बट मैं पर मैं गवर्नमेंट से अनुरोध करना चाहूंगा, स्टेट प्रशासन से और अपने जहां के प्रशासन से कि इसका जो है रोड का निर्माण करा। चलिए दिखाते हैं आप, ये देखिए साहब, जो आंखों से दिख रहा है वो कैमरा में तो नहीं दिख पाएगा बट सामने एक चोटी देख पा रहे वो है मंगलेश्वर महादेव। बहुत ही अद्भुत सा नज़ारा है वहाँ से और केवल जाने का रास्ता अगर सुगम करा दे गाड़ियों से, फोर व्हीलर से, तो बहुत ही अच्छा रहेगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सामने आप ये बोर्ड देख पा रहे होंगे, यहाँ से अयोध्या जो है वो 310, सारनाथ 111। तो चले चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं सोनभद्र के द्वार पे और ये सामने आप देख पा रहे होंगे, आगे मैं आपको दिखाता हूं। चलिए, बारिश हो रही है हल्की हल्की। Yeah.
अरे बोलेंगे बाद में। तो ये सामने आप देख पा रहे होंगे सोनभद्र का यह द्वार, वीर लोरिक पत्थर स्मारक द्वार। ये है जो सोनभद्र में आप जब एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहला यही द्वार दिखाई देगा। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ खूबसूरत सा व्यू। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे ये सोनभद्र का यह द्वार, वीर लोरिक द्वार। और ये देखिए, और मैं ठीक जो आपको व्यूज दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद वो आप देखिएगा। ये देखिए पीछे मेरे पूरी सोनभद्र की वादियाँ दिखाई दे रही होंगी आपको। सामने आप खूबसूरत सा यह व्यू देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा सोनभद्र का एक व्यू पॉइंट है जिसको आप देख पाएंगे यहाँ से। और यहाँ से जो खूबसूरत सा ये नज़ारा आपको दिखाई देगा ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अकल्पनीय है। ये सोनभद्र का द्वार और इसके ठीक अपोजिट में आपको मैं दिखाता हूँ ये व्यू। सारे लोग जो हैं वो फैमिली के साथ आए हुए हैं। बारिश का मौसम है और मानसून का बिल्कुल पीक टाइम चल रहा है यहाँ पे। और ये सामने आप देख पा रहे होंगे ठीक इसके बगल में, मैं आपको चलिए ले चलता हूँ, छोटा झरना बह रहा है। और चलिए चलते हैं दिखाते हैं आपको। आप देख पा रहे होंगे सोनभद्र का ये खूबसूरत नज़ारा और ये सोनभद्र का द्वार। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो जगह है ये सोनभद्र और वाराणसी से लगभग आपको ये पड़ेगा लगभग 110-120 किलोमीटर के आसपास। और यहाँ तक और ये मिडवे है टू शक्तिनगर सिंगरौली, और सिंगरौली से पड़ेगा लगभग 100 किलोमीटर के आसपास। तो आप आ सकते हैं और इस व्यू का आनंद ले सकते हैं। अगर आप सिंगरौली में भी रहते हैं, NCL में रहते हैं, कोल माइंस के एरिया में भी रहते हैं तो आप खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। अब मेरे पीछे आप देखिए खूबसूरत सर, ये कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा होगा, मोबाइल का कैमरा है तो आप देख पा रहे होंगे ये खूबसूरत सा नज़ारा। और चलिए चलते हैं सोनिको पॉइंट के और भी एक सुंदर से दृश्य के पास खोले चलते हैं। देखिए काफी ट्रैफिक है यहाँ पे। चलिए चलते ले चलते हैं आपको एक खूबसूरत सी जगह पे जो कि इसी सोनिको पॉइंट के ऊपर में है। और इस सामने सोनिको पॉइंट आप देख पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं एक हिडन लोकेशन की तरफ आपको लेकर चलते। ये देखिए ये थे, और यहाँ से जो नज़ारा दिखता है वो आपको दिखाते हैं।
तो कैसा लगा आपको ये सोनभद्र का ये द्वार? और ठीक, मैं आपको ये हिडन लोकेशन एक दिखा रहा हूँ आपको, ठीक इस द्वार के सामने जो ये यहाँ पे है, इससे ठीक अपोजिट साइड में अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये छोटा सा बहता हुआ झरना आपको दिखाई देगा जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और पानी की आवाज़ आपको बहुत ही बहुत क्लियर सुनाई दे रही पा रही होगी आपको, तो देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरत है ये। देखिए, आप आएँ अपने फैमिली के साथ आएँ और ज़रूर सबको शेयर करें ताकि आपको आप बता सकें कि सोनभद्र किसी से भी कम नहीं है, चाहे वो महाराष्ट्र का मलसेज हो, मनाली हो, या बहुत सारी ऐसी जगह है जो कि पहाड़ों से घिरी हुई रहती हैं, तो सब का आनंद आपको यहीं पे मिलेगा। ये पानी की आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कलकल सी आवाज़। ये फिलहाल सोन इको पॉइंट, जो कि मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है सोनभद्र में इस पॉइंट को टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसको धीरे धीरे करके डेवलप किया जा रहा है, और ये हमारी धरोहर है, और जो हमारे यहाँ के रहने वाले लोग हैं, सोनभद्र से रहने वाले लोग हैं, सिंगरौली के रहने वाले लोग हैं, और जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, रेणुपुर से, अनपरा से, रावर्ट्सगंज से, उन सब के लिए बहुत अपनी धरोहर है, उनका ध्यान रखें और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको केयर करें। तो चलिए चलते हैं और आगे अगले सफ़र में, मैंने आपको कहा था मैं सोनभद्र का पूरा सफ़र आपको दिखाऊंगा इस मानसून के समय में, ये आप देख पा रहे हैं। नमक जी, नमक कैसे, नमक कम है, सही है, नमक बहुत गंदा डालते हैं भैया, मिर्चा बहुत गंदा था और मिर्चा डाल दिया।